हम ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा ध्वन्यालोक के अंतर्गत जो ध्वनि का मंगलाचरण पढ़ने के बाद में हमने फिर काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधरी ऐसा मानना था पूर्वावकारी का अध्ययन करी थी। उसके बाद में हम देख रहे थे कि वाच्य और प्रतीयमान अर्थ जो सहज से लागे दो अर्थ आचार्य आनंद वर्धन ने कहा है भूमिका के रूप में रचते हुए कि सहज से लागे दो अर्थ है वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ। वाच्य अर्थ किंतु आगे कहते हैं कि ये मैंने भूमिका के लिए कही है, मेन कौन सा अर्थ है प्रतीयमान अर्थ है और वाच्य अर्थ उसकी भूमिका के रूप में है। और यहाँ पर वो बताते हैं कि ध्वनि के जो तीन भेद है वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि और रसादि ध्वनि, तो इसमें से जो वस्तु ध्वनि है वो उसमें वाच्य और प्रतीयमान में भेद है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तो हमने उदाहरण देखे कि वाच्य और प्रतीयमान में भेद के हमने जो देखा सर्वप्रथम स्वरूप भेद कि कहीं पर वाच्य विधि रूप है तो प्रतीयमान अर्थ छेद रूप है, कहीं पर वाच्य अर्थ निषेध रूप है किंतु प्रतीयमान विधि रूप है, कहीं पर वाच्य विधि रूप है प्रतीयमान अनुभय रूप है, ना तो ना तो वो विधि रूप है ना ही निषेध रूप है। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण था जिसमें वाच्य निषेध रूप है किंतु प्रतीयमान अर्थ ना तो विधि रूप है ना ही निषेध रूप है। इसके बाद में हमने एक अगला उदाहरण देखा जिसमें विषय भेद देखा गया था कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायः सवर्ण मधुरम, ये वाला जो उदाहरण देखा था ना जिसमें वाच्य अर्थ तो किसके प्रति जा रहा था उस दुराचारिणी नायिका के प्रति किंतु व्यंग्य अर्थ कईयों के प्रति जा रहा था, उसके पति के लिए भी हो सकता था स्वयं नायिका के लिए भी हो सकता था उस नायिका का जो जार नायक है उसके लिए भी हो सकता था प्रतिवेशी के लिए भी हो सकता था। इस प्रकार से वाच्य और व्यंग्य दोनों का विषय भिन्न भिन्न थे। तो इस प्रकार से हमने वस्तु ध्वनि को देखा तो उसमें क्या होता है वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ जो दो अर्थ है उनमें दोनों में अंतर बताया गया है। तो वाच्य अर्थ प्रतीयमान अर्थ में दोनों में तुम लोग अब अंतर भली प्रकार से समझे होंगे कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है। अब देखते हैं आगे, ये हमने वहां तक देख लिया था वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, अब उसके बाद में हमको देखना था अलंकार ध्वनि का क्या अंतर उन्होंने बताया है। तो यहाँ देखो इसके बाद में वो कहते हैं अलंकार, ये तो यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि वाच्य अर्थ प्रतीयमान अर्थ में, अब वो कहते हैं कि अलंकार ध्वनि की बात आती है कि अलंकार ध्वनि की वो उसमें वो कैसे भिन्नता है। तो इसके संदर्भ में अब हमें यहां से अध्ययन करना है, ये देखो अब तो, और उसके बाद में एक चीज और कही थी उन्होंने कि अन्य चेवन प्रकार वाच्य विभेदिना, यानी ऐसे अन्य प्रकार भी हो सकते हैं जो वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में भेद बताते हैं। तो उसके हमने कई सारे उदाहरण देखे थे और उसमें ये एक चीज भी था कि हमने बताया था कि आचार्य विश्वनाथ आगे जो आचार्य साहित्य दर्पणकार हैं विश्वनाथ, उन्होंने भी कई सारे भेद बताए हैं कि वोद्री स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम आश्रय विषयादि नाम भेदा भिन्नो अभिधेय तो व्यंग। तो व्यंग्य पाच्य प्रतिमान अर्थ में संख्या की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, निमित्त की दृष्टि से आदि कई प्रकार के भेद हो सकते हैं। अब उसके बाद में पढ़ना है हमें अलंकार ध्वनि, देखो द्वितीयो प्रभेदो वाच्यात् विभिन्नः सप्रपंच मग्रे दर्शिष्यते। द्वितीयो अपि भेद प्रभेदो, द्वितीय भेद किसकी बात चल रही है यहाँ पर अलंकार ध्वनि की। अलंकार ध्वनि यानी दूसरे भेद भी वाच्यात् माने वाच्य से, विभिन्न माने भिन्न ही है, सप्रपंच मग्रे उसको हम क्या करेंगे विस्तार के साथ में अग्रे माने आगे दिखाएंगे। यहाँ पे आचार्य आनंद वर्धन ने जो द्वितीय भेद है वह भी वाच्य से भिन्न है अलंकार ध्वनि, लेकिन उसको यहाँ पे वर्णन नहीं किया है क्योंकि क्योंकि वह उसकी अलंकार ध्वनि के बहुत अधिक भेद प्रभेद हैं और बहुत ही जटिल विषय है। तो वो कहते हैं इसको हम आगे दिखाएंगे, आगे कब, तो इसको आगे जब वो ध्वन्यालोक के ही द्वितीय उद्योत में इसको आगे डिटेल में वो वर्णन करते हैं, लेकिन हमें द्वितीय उद्योत का अध्ययन नहीं करना है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल कौन सा उद्योत है प्रथम उद्योत ही है, हमें उसी का अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है, यदि ये पंक्ति हो लिखना हो तो तुम्हें ये बता दोगे कि अलंकार ध्वनि के बारे में संक्षिप्त रूप में और इसका वो जो डिटेल में वर्णन उन्होंने ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत में किया है तो वो खुद कहते हैं कि आगे उसको दिखाएंगे। आगे देखो तृतीयस्तु रसादि लक्षण प्रभेदो वाच्य सामर्थ्याद आक्षिप्त प्रकाशित है। तृतीयस्तु प्रभेदो और जो
तीसरा प्रभेद है, यानी कौन सा? रसादित ध्वनि। रस है आदि में जिसके यानी रस रसाभास भावास भाव संति संधि आदि। तो ये कह रहे तृतीय भेद जो रसादि लक्षण है, रस आदि ध्वनि है, वह प्रभेदो वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्त प्रकाशित, वह भी वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है। वह वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त यानी वाच्य के सामर्थ्य से प्रकाशित होता, वो कभी भी वाच्य नहीं होता, कभी भी शब्द व्यापार का विषय नहीं, अभिधा का विषय नहीं है। कौन सी? रसादि ध्वनि। यानी इस तंत्र में एक चीज ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी चाहो तो वाच्य वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि वाच्य हो भी सकती है, लेकिन जो रसादि ध्वनि है वो कभी भी वाच्य नहीं, वो वाच्य से भिन्न ही होती है, वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होती है। आगे क्या कह रहे हैं? ना तो साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्याद भिन्न एव, वह तो ना तो वह कभी भी साक्षात शब्द व्यापार, साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं है, इसलिए वह वाच्य से भिन्न ही है। साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं, इसलिए वाच्य से भिन्न ही है। आगे क्या कह रहे हैं? वाच्यत्वं तस्य स्वशब्द निवेदित वास्याद विभावादि प्रतिपाद मुखेन वा, उसकी वाच्य यदि मान लो बोले वाच्य तो आप मान भी लो कि वो वाच्य है। कौन सी? रसादि ध्वनि। अभी तो हम क्या मान लो उसको वाच्य है, नहीं शब्द व्यापार का विषय, अभिधा का विषय, हमें अभी अभिधा से ही मिल जाए, उसको आप व्यंग्य क्यों मान रहे हो, उसे प्रतीयमान क्यों मान रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि वो वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होती है, कभी भी साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं होती। बोले यदि आप उसको वाच्य मान भी रहे हो तो वो किस दृष्टि से हो सकती है? बोले वाच्यत्वम तस्य दो प्रकार से हो सकती है, उसमें दो तरह की वाच्यता हो सकती है। क्या? स्वशब्द निवेदित्वेन वास्यात् विभावादी प्रतिपाद मुखेन वा, या तो वो स्वशब्द निवेदित्व यानी स्वशब्द से कहा जाए, स्वशब्द का मतलब क्या है बेटा? श्रृंगार आदि शब्द से या रस आदि शब्द से, जैसे श्लोक आदि में वर्णन किया उसके बाद में कह दिया कोयम रस अभूत, इसमें कोई रस है या श्रृंगार है या वीर रस है, इस प्रकार से उसमें शब्द आ जाए, रस शब्द आ जाए या श्रृंगार वीर आदि कोई रस, ये प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, या तो वो अथवा विभाव आदि प्रतिपाद मुखेन, या विभाव आदि के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो स्थिति हो सकती है वाच्यता की उसकी, या तो स्वशब्द निवेदित हो या विभाव आदि के प्रतिपाद मुखेन वा, विभाव आदि के द्वारा उसका प्रतिपादन हो। तो इस प्रकार से दो स्थितियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पूर्वस्मिन पक्षे स्वशब्द निवेदित का अभावे रसादी नाम अप्रतीति प्रसंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो बेटा, स्वशब्द यानी पहले पक्ष में, पूर्वस्मिन पक्ष पहले पक्ष में क्या है? स्वशब्द निवेदित्व, स्वशब्द निवेदित्व का अभाव होने पर रसादी नाम रस आदि की प्रतीति का यानी अप्रतीति प्रसंग, उनकी प्रतीति नहीं हो पाएगी, उनकी प्रतीति का प्रसंग अप्रतीति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? हर जगह हम श्लोक देखते हैं तो हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर श्लोक में हम लोग व्यंग्य होता है रस, जैसे कि श्लोक को पढ़ते हैं उसमें विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, उससे क्या कहते हो, इसमें प्रतीति होती है, इसमें वीर रस की प्रतीति है, इसमें हास्य रस है, इसमें श्रृंगार रस है। क्या हर श्लोक में ऐसा होता है कि इसमें बताना पड़ता है इसमें रस है या श्रृंगार है वीर है? ऐसा नहीं होता। और यदि आप ये मान लोगे तो आपको हर श्लोक में हर जगह आपके क्या होगा, तो आपको स्वशब्द यानी रस शब्द का या श्रृंगार आदि शब्द का प्रतीति करनी पड़ेगी, और वो हर जगह होती नहीं है, तो रस आदि की प्रतीति ही नहीं हो पाएगी। पहली बात, यानी आपने कहा ना स्वशब्द निवेदित, यदि स्वशब्द से निवेदित करोगे अथवा स्वशब्द से रस यानी स्वशब्द यानी रस आदि के रूप में कहा जाएगा तो हर जगह की हमें प्रतीति नहीं होती रस आदि की, क्योंकि हर जगह शब्द प्रयोग नहीं होता, श्रृंगार है रस है हास्य है करुण, या हर जगह रस का प्रयोग ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? नाचा सर्वत्र तेषाम स्वशब्द निवेदितव्यम। क्या कहना चाह रहे हैं? और पहले पक्ष में स्वशब्द निवेदित का भाव होने पर रस आदि की प्रतीति का प्रसंग नहीं होगा, और क्या हो रहा है, रस आदि की प्रतीति न होने का रस आदि की अनुभूति नहीं होगी। नाचा सर्वत्र तेषाम स्वशब्द निवेदितम, क्योंकि जो सब जगह हमने देखा है कि स्वशब्द से वो निवेदित नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं यत्रापि अस्ति,
जहां कहीं भी है। तत् माने वह, तत्र तत्रापि वहां भी, विशिष्ट विभावादि प्रतिपाद मुखेन एवेषां प्रतीति, वहां भी सर्वत्र क्या होता है, विशिष्ट विभाव आदि के द्वारा, विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा, यानी विशिष्ट विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, प्रत्येक रस के उनका जब कथन किया जाता है उसी से हमें रस की प्रतीति होती है। जैसे हमें पता है कि श्रृंगार रस है, उसके विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, जब हमें मेरे दिखाई देते हैं तो विशिष्ट विभाव आदि के प्रतिपादन मुखेन उन्हीं से हमें रस की प्रतीति होती है। स्वशब्देन सा केवलम अनुद्यते, स्वशब्द से, तो यानी शब्द से, यानी वीर रस कह दिया, पहले उसके विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, तो हमें वीर रस की प्रतीति हो रही है, और यदि उसमें कह दिया वीर रस तो उसके रूप में तो वो केवल अनुदित हो रही है, लेकिन प्रतीति कब होती है, विशिष्ट विभाव से, अनुभाव से और व्यभिचारी भाव से। तो स्वशब्द से तो वह केवल अनुदित होती है, ना तत्कृता, उससे वो की नहीं जाती, यानी रस आदि उससे नहीं उत्पन्न होते, उससे आक्षिप्त नहीं होते। आगे क्या कह रहे हैं, विषयांतरे तथा तस्या अदर्शनात्, विषयांतरे तथा तस्या अदर्शनात्, विषयांतरे यानी श्लोक में विभाव आदि नहीं होंगे, विभाव नहीं है, अनुभाव नहीं है, व्यभिचारी भाव नहीं है, और रस शब्द कह दो तुम इसमें रस है, तो अभी रस की प्रतीति नहीं होगी। तस्या अदर्शनात्, उसका अदर्शन होगा, उसका दर्शन नहीं होगा। ना ही केवल श्रृंगार आदि शब्द मात्र भाजी, केवल श्रृंगार रस आदि शब्द मात्र से कहने वाला, और क्या, विभाव आदि प्रतिपादन प्रतिपादन रहित, विभाव आदि के प्रतिपादन से रहित काव्य, माने काव्य में मनागपि थोड़ी सी भी रसवत् प्रतीति रसती, उसमें थोड़ी सी भी रस की प्रतीति नहीं है। यदि आप उसमें श्रृंगार कह दो, वीर रस कह दो, करुण रस कह दो, ये रस शब्द का प्रयोग कर दो और उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव नहीं है, तो रस की थोड़ी सी भी प्रतीति नहीं हो सकती। और क्या कहना चाह रहे, यश्च स्वाभिधान मंत्रेण, और जहां पर ये मत कहो कि वीर रस है, इसमें श्रृंगार रस है, ये सब शब्द ना हो, केवल केवलभ्यो भी विभावादि भी विशिष्टभ्यो रसादीनां प्रतीति, और उसमें विशिष्ट विभाव हो, अनुभाव हो, व्यभिचारी भाव हो, तो रस की प्रतीति हो जाती है। बात समझ में आ रही बेटा? किसी ने श्लोक में हमें ये शब्द कह दिया श्रृंगार रस है, और उसके रस शब्द का प्रयोग कर दिया, और उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव उसके नहीं है, तो क्या रस की प्रतीति होगी? बोले रस की प्रतीति तब नहीं होगी। और यदि ये शब्द नहीं है, खाली विभाव अनुभाव है, तो अभी रस की प्रतीति हो जाएगी। तो यानी स्वशब्द से उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज अभी हम, मैं अभी एक बार तुम्हें समझाऊंगी आगे क्या कहना है। तो यहाँ पे ये देखो, जो पंक्तियां देख रही है, इन्होंने क्या कहा है, जहां भी रस की प्रतीति होती है वहां भी विशिष्ट विभाव आदि प्रतिपाद मुखेन, विशिष्ट विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के प्रतिपादन के द्वारा ही रसादी की प्रतीति होती है। स्वशब्द से केवल उसका अनुवाद होता है, वह उसके द्वारा कृत नहीं होती। विषयांतरे यानी विषयांतर में, यानी विभाव आदि अनुभाव आदि उसमें नहीं हो, तो उसकी प्रतीति नहीं होती। ना ही केवलम श्रृंगार आदि शब्द मात्र भाजी, श्रृंगार वीर रस आदि शब्द मात्र से उसका प्रतिपादन होता है, लेकिन श्रृंगार आदि शब्द मात्र हो उसमें और विभाव आदि नहीं हो, तो उसकी थोड़ी बहुत भी उसमें काव्य में रसवत्ता नहीं है, उसकी रस की प्रतीति नहीं होगी। और जहाँ पे स्वाभिधान मंत्रेण, स्वशब्द से नहीं हो, यानी रस आदि शब्द उसमें नहीं हो, केवल क्या हो, विशिष्ट विभाव हो, अनुभाव हो, व्यभिचारी भाव हो, तो रस की प्रतीति हो जाए। तो केवलाच स्वाभिधाना प्रतीति ही, यानी केवल नाम मात्र से, यानी रस कह दो, श्रृंगार कह दो, उससे रस की प्रतीति नहीं होती। तस्मात अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभिधेय सामर्थ्याद आक्षिप्तमेव रसादीना, इसलिए अन्वय और व्यतिरेक से यह स्पष्ट हो गया है कि अभिधेय यानी वाच्य के सामर्थ्य से ही रस आदि की प्रतीति होती है। ना तू ना त्वम अभिधेयत्वम कथंचित, उसमें अभिधेयत्व तो कुछ भी नहीं है, वो वाच्य बिल्कुल भी नहीं है। इति तृतीयोपि प्रभेदो वाच्याद भिन्न एव इति स्थितम, इसलिए तृतीय भेद भी यानी रसादि ध्वनि भी वाच्य से भिन्न ही है। वाच्यत्वेन तु अस्य सह प्रतीति, और वाच्य के साथ साथ जो उसकी प्रतीति है उसको वो आगे बताएंगे, वो कहते हैं इसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा। तो ये इसकी पंक्तिशा अर्थ हमने देखा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, किसी भी श्लोक आदि में यदि रस शब्द कह दिया, श्रृंगार शब्द कह दिया, वीर आदि शब्द कह दिए और विभाव आदि अनुभाव आदि नहीं है, तो कभी भी रस की प्रतीति नहीं होगी। और यदि विभाव आदि है और ये शब्द ना भी हो, श्रृंगार वीर या आदि शब्द ना भी हो, तो भी रस की प्रतीति हो जाती है।
यहाँ पे कह रहे कि अन्वय और व्यतिरेक से। अन्वय क्या होता है? तत्सत्व तद तत्सत्व तत्सत्ता अन्वया। हमने देखा था ना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आ गई, अन्वय होता है। और व्यतिरेक निषेध वाला जो था, यत्र यत्र बन्या वावा तत्र तत्र धूमा वावा, जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है। तो कह रहे कि हाँ और ना, इन दोनों तरीके से उन्होंने दिखा दिया, अन्वय से और व्यतिरेक से, कि काव्य में रस की प्रतीति कब होती है, जब उसमें उसके विशिष्ट विभाव हो, अनुभाव हो और व्यभिचारी भाव हो, तभी काव्य में रस की प्रतीति होती है। जैसे कि हम लोगों ने काव्य प्रकाश का चतुर्थोल्लास पढ़ लिया था, उसमें हमने देखा था ना भाभी, मैंने तुम्हें स्पष्ट किया था, आचार्य भरत मुनि ने क्या सूत्र दिया रस का, विभावानुभाव व्यभिचारी क्या दिया था, संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसके हमने चार व्याख्याकार भी पढ़े थे, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, संकुप, याद आ रहा होगा, और आचार्य अभिनवगुप्त, हमने तो देखे थे वहां पे। तो वहां पे आचार्य मम्मट भी कहते हैं कि हमें रस की प्रतीति कैसे होती है, कारणान्यत कार्याणी सहकारिणी यानी चे रत्यादेह स्थायी नो लोके तानी चेन काव्य नाट्य विभाव अनुभाव कथ्यन्ते व्यभिचारिणः रत्यादे कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सा तैर विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मितः। कहा था ना याद आ रहा कि सामान्य रूप से जो लोक में जो कारण कार्य और सहकारी भाव होते हैं, वही काव्य में और नाट्य में क्या कहलाते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, और इनके संयोग से ही स्थायी भाव रस रूपता को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि विभाव होने चाहिए, अनुभाव होने चाहिए, व्यभिचारी भाव होने चाहिए, उससे आक्षिप्त व्यंग्य होता है रस। कभी भी ऐसा नहीं आपने कह दिया, वर्णन तो करा ने कह दिया इसमें श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस की प्रतीति कदापि नहीं होगी, उसमें विभाव होना चाहिए, उसका कोई व्यभिचारी भाव होना चाहिए, उसमें कोई रस होना चाहिए। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बेटा, जो रसादि ध्वनि है वो कभी भी वाच्य नहीं होती, रसादि ध्वनि कभी वाच्य नहीं होती, वो हमेशा वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त ही होती है, ये कहिए। और एक चीज और ध्यान आ रहा होगा तुम्हें, जब हमने देखा है कि शौ शब्द यानी अपने शब्द से, यानी कि रस आदि शब्द से, श्रृंगार वीर आदि शब्दों से उसको कहा जा रहा है, किसको, रस को, तो क्या होता है उसमें, काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में हमने देखे थे रस दोष पढ़े थे ना, रस दोष के अंतर्गत एक रस दोष भी था, तो कई सारे रस दोष जहां हमने पढ़े थे, तो व्यविचारी रस स्थायी भावा नाम शौ शब्द वाच्यता। यदि व्यभिचारी भावों को शब्द से कह दिया जाए, स्थायी भाव को रस को, वहां पे श्लोक भी देखा था हमने, तो श्लोक है उसमें यदि आपने विभाव है खूब अच्छे, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, लेकिन आपने उसमें शब्द प्रयोग कर दिया रस या श्रृंगार, तो वहां पे रस दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको तो रस दोष माना गया है, यानी यानी शौ शब्द से तो वो कभी नहीं होना चाहिए, तो वो वाच्य के सामर्थ्य से ही आक्षिप्त होता है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से तीसरा भेद भी वस्तु ध्वनि में हमने देखा, अलंकार ध्वनि को वो कहते हैं, हम आगे स्पष्ट करेंगे। अलंकार ध्वनि में भी होता है बेटा कि अलंकार होता है वो जो अलंकार व्यंग्य निकल के आएगा तब वो उसमें वो अलंकार ध्वनि कहलाता है, तब उसको अलंकार्य कहा जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि जैसे अपन ने ब्राह्मण श्रवण न्याय ना होता है ना, उसके कारण उसको अलंकार ध्वनि कह दिया जाता है, जबकि वो वहां पे वो अलंकार्य होता है। अलंकार भी क्या होता है, कोई ब्राह्मण है पहले और बाद में वो कोई भिक्षु बन गया, बौद्ध भिक्षु आदि या जैन आदि उसमें बन गया श्रमण, लेकिन तब भी लोग उसको क्या कह देते हैं, ब्राह्मण श्रमण, पूर्व की उसकी चीज को आपके ऐसी अलंकार, जबकि अलंकार वहां पे जब वो वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है, अलंकार जब वहां पे व्यंग्य होता है तो अलंकार्य होना चाहिए, लेकिन उसको अलंकार कह दिया जाता है। तो ये अलंकार ध्वनि, इसके बहुत अधिक भेद प्रभेद हैं और ये एक जटिल विषय है, जिसको वो आगे द्वितीय उद्योत में स्पष्ट करेंगे पूरे। अब यहाँ पे तुमने के एक संक्षिप्त में कह दिया, और रसादि के बाद में इन्होंने इतनी सी बात कही यहाँ पे कि रस आदि जो है, पूरी पंक्ति से इसका इसके अर्थ है कि रस आदि जो भेद है वो वाच्य के सामर्थ्य आक्षिप्त होता है, वो व्यंग्य होता है, कभी भी साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं है, और यदि आप उसकी वाच्यता माने भी तो दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसको अपने शब्द से कह दिया जाए यानी रस आदि से, या श्रृंगार वीर रस आदि से, या विभाव आदि के द्वारा। तो बोले कि सशब्द से कहोगे तो अभी रस की प्रतीति कदापि नहीं होती, यदि उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ना हो, तो विशिष्ट विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों से ही रस की प्रतीति होती है,
यदि है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तो रस आदि शब्द कहो या मत कहो, रस की प्रतीति होगी, और यदि कह दिया जाता तो ये अगर दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की प्रतीति होती है, उनसे आक्षिप्त होता है जो रस है वो, और वो वाच्य से भिन्न नहीं है हमेशा, इसलिए उसको कभी भी वाच्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से हमने देखा रसादि ध्वनि को भी कि वो भी उससे भिन्न ही है। तो इस प्रकार तक यहाँ तक उन्होंने ये चीजें स्पष्ट की है, जो कारिका उन्होंने बताई थी कि जो सहृदय श्लाघ्य जो अर्थ है उसके दो भेद किए हैं, वाच्यत और प्रतीयमानत। तब ये जिज्ञासा उठ रही थी भाई इन्होंने तो दोनों बात कह दी, तो दोनों को सहृदय के द्वारा प्रशंसित बता रहे हैं, दोनों को ही कह रहे हैं, जबकि आगे खुद ही, जबकि इन्होंने पहली कारिका में कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, तो यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं? तब ये था कि इन्होंने भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि बेटा किसी भी श्लोक को पढ़ते समय सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने, वाच्य अर्थ, वाच्य से ही फिर आक्षिप्त होकर के, फिर जैसे लक्षणार्थ लक्षार्थ लेना हो तब भी वाच्य होता है पहले, कि मुख्यार्थ होता है, फिर उसका मुख्यार्थ का कोई बाद होता है, तो मुख्यार्थ और लक्षार्थ में संबंध होता है जो हमने लिया है, और फिर उसमें कोई रूढ़िया प्रयोजन होती थी, तो वाच्य अर्थ तो सबसे पहले आता है व्यंग्य में भी वाच्य के सामर्थ्य से। और हम लोगों ने जो काव्य प्रकाश पढ़ा था वहां भी देखा था अभिधा मूल ध्वनि पढ़ी थी ना, तो अभिधा मूल लक्षणामूल, तो वहां पे वाच्यार्थ सबसे प्रथम होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वाच्यार्थ, ये मत कंफ्यूज होना कि वाच्यार्थ की बात भी कह रहे हैं, प्रतीयमान अर्थ भी मेन है, तो वाच्यार्थ तो वहां पर किस लिए कहा गया है, भूमिका के रूप में कहा गया, क्योंकि वाच्यार्थ मेन है, वाच्यार्थ भी मेन है, उसका निषेध नहीं कर सकते। काव्य में वाच्यार्थ नहीं होगा तो फिर हमें व्यंग्य अर्थ आदि की प्रतीति तो बाद में होती है, सर्वप्रथम शब्द से हमें किसकी प्रतीति होती है, अविधा व्यापार से वाच्यार्थ की, फिर व्यंग्यार्थ उसमें लिया